मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 8 बुक रेनबो लेसन 5 प्ले थिंग्स को पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 5 प्ले थिंग्स एक पोयम है जो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी वर्ल्ड फेमस कवि, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये पोयम इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चे तुम मिट्टी में बैठकर कितने खुश हो। प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। ब्रोकन का मीन्स होता है टूटी हुई और ट्विग मीन्स होता है टूटी हुई टहनी। ये कवि कह रहा है कि बच्चे तुम सुबह से मिट्टी में बैठकर खेल रहे हो, कितने खुश हो और सुबह से इन छोटी टूटी हुई टहनियों से खेल रहे हो। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग। मैं तुम्हें इन छोटी टूटी हुई टहनियों के साथ खेलता देखकर मुस्कुराता हूँ। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स एडिंग अप फिगर बाई द आवर्स। मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ, संख्याओं को जोड़ने में व्यस्त हूँ। परहैप्स यू ग्लांस एट मी एंड थिंग्स। शायद तुम अचानक मुझे देखते हो और सोचते हो। वाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विद। अपनी अच्छी सुबह को ख़राब करने के लिए ये कितना स्टूपिड गेम है। स्टूपिड का मतलब बेकार, निरर्थक। चाइल्ड आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज। बच्चे मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला भूल चुका हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स। मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ। एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूँ। विद व्हाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। तुम्हें जो भी मिलता है तुम उसी में अपना अच्छा खेल बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ओबटेन। मैं अपना समय और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर लगाता हूँ जिन्हें मैं कभी नहीं पा सकता। इन माई फ्रेल कैनोए आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर। फ्रेल का मतलब होता है छोटी और कैनोए का मतलब एक कमजोर नाव। समझ रहे हो ना, आप ध्यान से सुनना। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, सी का मतलब होता है समुद्र और डिजायर का मतलब इच्छा। तो कवि कहता है कि मैं अपनी कमजोर छोटी नाव में इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग ए गेम। और मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ध्यान से सुना होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए अब इसमें कुछ नए वर्ड आए हैं उनको बताता हूँ। पहला वर्ड आया है ट्विग। ट्विग का मतलब होता है टहनी। अकाउंट्स, अकाउंट्स मीन्स लेखा जोखा। ग्लांस, ग्लांस का मतलब नज़र डालना। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड मीन्स तल्लीन हो गया। लम्प्स, लम्प्स मीन्स ढेला। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, पावर, बल, जोर। फ्रेल, फ्रेल मीन्स कमजोर। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। कैनोए, कैनोए का मीन्स होता है हल्की लंबी एक कमजोर नाव। चलिए अब इसके एक्सरसाइज वर्क को करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको भी साथ साथ कर लेते हैं। इन्हें आप कॉपी में लिख लेना। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग। आंसर है इसका द चाइल्ड वाज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद। इसका आंसर है द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग। अगला प्रश्न है विच एक्टिविटीज वाज द पोएट बिजी इन। आंसर है इसका द पोएट वाज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स
while doing his accounts. D. What has the poet forgotten? The poet has forgotten the art of getting absorbed in the play of sticks and mud pies. अगला प्रश्न है, What did the poet struggle to cross? Answer: The poet struggled to cross the sea of his desire in his weak canoe. अगला प्रश्न, What do you understand by the phrases "the sea of desire"? इसका आंसर है, Every grown up man seeks many desire and keeps roaming on his work on his weak boat, trying to fulfill all the desire that are a never ending sea. तो बच्चों इनसे कुछ प्रश्न उत्तर थे, इन्हें आप कॉपी में लिख लेना। अब कुछ अगला प्रश्न है इसमें वर्ड पावर का। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको इन्हीं के जैसे मिलती जुलती आवाज के वर्ड इसमें लिखने हैं। हर वर्ड के सामने आपको दो वर्ड लिखने हैं। जैसे कि पहला वर्ड है डस्ट, तो डस्ट के सामने हमें दो वर्ड ऐसे लिखने हैं जिनकी आवाज़ें लगभग इसी प्रकार की हों, जैसे कि रस्ट और मस्ट। अगला वर्ड है एच ओ यू आर, और हॉर में लिखेंगे फार एंड कार। अगला वर्ड है थिंक, इसमें लिखेंगे विंक एंड ड्रिंक। अगला वर्ड सीक, इसमें लिखेंगे मीक एंड स्लीक। तो बच्चों आपका लेसन 5 पूरा हो गया है, इसे आप अपनी कॉपी में जरूर करना, और काम करने के बाद इसका फ़ोटो निकाल कर व्हाट्सएप ग्रुप UPS कासमपुर भूमा में अवश्य डालना, ताकि हमें पता चल सके किस किस बच्चे ने काम किया है और किस किस ने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं फिर अगली ही वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।